क्या आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में मयंक अग्रवाल पर बड़ी बोली लगाई गई? चेन्नई सुपर किंग्स सामने आई बहुत ही बड़ी अपडेट, जानेंगे क्या है पूरी खबर। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पर खास चेन्नई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर मयंक अग्रवाल को लेकर के तमाम र्यूमर्स चल रहे हैं। आपको बता दें, कुछ खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मिनी ऑक्शन में मयंक अग्रवाल पर बड़ी बोली लगा सकती है। दरअसल मयंक अग्रवाल पिछले सीजन में पंजाब किंग्स के कप्तान थे। हालांकि इस सीजन के लिए पंजाब किंग्स की टीम ने मयंक अग्रवाल को न सिर्फ कप्तानी से हटाया बल्कि टीम से भी रिलीज कर दिया है। अब मयंक अग्रवाल मिनी ऑक्शन का हिस्सा रहने वाले हैं। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स का बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है और कई शानदार बल्लेबाज पहले से ही मौजूद हैं। चाहे ओपनिंग की बात हो या फिर मध्यक्रम की, पहले से ही सभी स्थान भरे हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें ज्यादातर तेज गेंदबाज हैं। एक बात तो कंफर्म है कि मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बड़े तेज गेंदबाजों को खरीद सकती है। यहाँ पर वो मयंक अग्रवाल पर बोली लगाएगी ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि मयंक अग्रवाल की जरूरत शायद ही चेन्नई सुपर किंग्स को पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन आईपीएल 2022 में अच्छा नहीं रहा था। मयंक अग्रवाल ने कुल 13 मैच खेले थे जिसमें मात्र 196 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल का औसत सिर्फ 16 का रहा था। अब मयंक अग्रवाल चेन्नई सुपर किंग्स में खेलेंगे या फिर नहीं, ये तो हमें मिनी ऑक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या मयंक अग्रवाल को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।